दिल्ली में एक और विषय, दशकों पहले बनी हुई अनधिकृत जो कॉलोनियों का भी रहा है, इन कॉलोनियों में हमारे लाखों भाई बहन रहते हैं, उनका पूरा पूरा जीवन इसी चिंता में निकल रहा था कि उनके घरों का होगा क्या। दिल्ली के लोगों की इस चिंता को कम करने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। पीएम उदय योजना के माध्यम से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बने घरों को नियमित करने का काम चल रहा है। अब तक हजारों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के मध्यम वर्ग को भी उनके घर का सपना पूरा करने में बहुत मदद दी है। दिल्ली के निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग अपना घर बना पाए, इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज में सब्सिडी दी गई है। इस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से 700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हम दिल्ली को देश की राजधानी के अनुरूप एक शानदार सुविधा संपन्न शहर बनाएं। दिल्ली के विकास को गति देने के लिए हमने जो काम किए हैं, दिल्ली के लोग, दिल्ली के गरीब, दिल्ली का विशाल मध्यम वर्ग, वे इन सब के साक्षी के रूप में हर जगह पे अपनी बात बताता है। इस बार लाल किले से मैंने देश की एस्पिरेशनल सोसाइटी की बात की थी। दिल्ली का गरीब हो या मध्यम वर्ग, वो आकांक्षी भी है और अभूतपूर्व प्रतिभा से भरा हुआ है। उसकी सहूलियत, उसकी आकांक्षा की पूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो दिल्ली एनसीआर में 190 किलोमीटर रूट पर ही मेट्रो चला करती थी। आज दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का विस्तार बढ़कर करीब करीब 400 किलोमीटर तक हो चुका है। बीते 8 वर्षों में यहां 135 नए मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। आज मेरे पास दिल्ली में कॉलेज जाने वाले कितने ही बेटी बेटियां, बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोग चिट्ठी लिखकर मेट्रो सर्विस के लिए आभार जताते हैं। मेट्रो की सुविधा का विस्तार होने से हर रोज उनके पैसे भी बच रहे हैं और समय की भी बचत हो रही है। दिल्ली को ट्रैफिक कंजेशन से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, आधुनिक बनाया जा रहा है। दिल्ली में जहां एक ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो दूसरी ओर कर्तव्य पथ जैसे निर्माण भी हो रहे हैं।